श्री विष्णु पुराण 15वां अध्याय श्राद्ध विधि। और वह बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह बतलाता हूँ, सुनो। त्रिनाची के त्रिमुध त्रिसुपर्ण छह वेदांगों के जानने वाले वेदवेत्ता क्षत्रिय योगी और ज्येष्ठ सामंत तथा ऋत्विक भांजे दोहित्र जामाता श्वसुर मामा तपस्वी पंचाग्नि तपने वाले शिष्य संबंधी और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करें। इनमें से त्रिनाचिकेत आदि पहले कहे हुओं को पूर्व काल में नियुक्त करें और ऋत्विक आदि पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन करावे। मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नखों वाला नपुंसक काले दांतों वाला कन्यागामी अग्नि और वेद का त्याग करने वाला सोमरस बेचने वाला लोक निंदित चोर चुगलखोर ग्राम पुरोहित वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला पुनर्विवाहिता का पति माता पिता का त्याग करने वाला शूद्र का संतान का पालन करने वाला शूद्र का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष क्षत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे यह कह दे कि आपको पुत्र श्राद्ध में और आपको विश्व देव श्राद्ध में नियुक्त होना है। निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोध आदि तथा स्त्री गमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है, वह अपने पितृगण को मानो वीरे के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुणा विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रित करें, और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन करावें। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करें, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावें। अपनी सामर्थ्यानुसार पितृगण के लिए अयुग्म और देवगण के लिए युग्म ब्राह्मण नियुक्त करें, अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण की ही नियुक्ति करें, और इसी प्रकार वैश्व देव के सहित माता महश्राद्ध करें, अथवा पुत्र पक्ष और माता महपक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैश्व देव श्राद्ध करें। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बैठा कर और पितृ पक्ष तथा माता महापक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बैठा कर भोजन करावे। हे नृप, कोई तो पितृ पक्ष और माता महापक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं, और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुशा बिछा कर फिर अर्घ्यदान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आवाहन करे। तदंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यव मिश्रित जल से देवताओं को अर्घ्यदान करे और उन्हें विधि पूर्वक धूप दीप गंध तथा माला आदि निवेदन करे। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपसव्य भाव से निवेदन करें, और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से दो भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगण का आवाहन करें। तथा हे राजन, अपसव्य भाव से तिलोदक से अर्घ्य आदि दें। हे नृप, उस दिन यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मण की आज्ञा से उसे भी यथेच भोजन करावे। अनेक अज्ञात स्वरूप योगी गण मनुष्य के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करें।
हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दें। हे राजन, उनमें से अग्नि कव्य वाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पित्रमति स्वाहा इससे दूसरी, और वैवस्वाताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दें। तदंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्रों में परोस दें। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति मधुर वाणी से कहे कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तदगत चित और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुख पूर्वक भोजन करना चाहिए, तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोघ्न मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के तथा अपने पितृ रूप से उन द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करें और कहें, इन ब्राह्मणों के शरीरों में स्थित रहते मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन ना कर सकने के कारण मैंने भक्ति पूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। मेरे पितामह नाना, उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्व देवगण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त राक्षस गण नष्ट हो जाएं। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान हैं, अतः उनकी सानिधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जावें। तदंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डालें और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दें। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंड दान करें और पितृ तीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दें तथा माता मह आदि को भी उस पितृ तीर्थ से ही पिंड दान करें। ब्राह्मणों की जूठन के निकट दक्षिण की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशांग पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूप आदि से पूजित पिंड दान करें, तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दें और फिर कुशांग के मूल में हाथ में लगे अन्न को पोंछकर लेप भाग भुज स्त्रप्यांतम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भुज पुत्रगण को तृप्त करें। इसी प्रकार गंध और माला युक्त पिंडों से माता महब आदि का पूजन कर और फिर विज श्रेष्ठों को आचमन करावें। और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्ति भाव से तन्मय होकर पहले पितृ पक्षीय ब्राह्मणों का सुस्वधा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर वैश्वदेविक ब्राह्मणों के निकट जाकर उन्हें दक्षिणा देकर कहें कि इस दक्षिणा से विश्व देवगण प्रकट हों, प्रसन्न हों। उन ब्राह्मणों के तथा अस्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करें। विश्व देवगण के सहित माता मह आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पुत्र और माता मह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पादशौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मण के करें, परंतु विदा पहले पितृ पक्षीय अथवा माता मह पक्षीय ब्राह्मणों की ही करें। तदंतर प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करें और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाएं तथा जब वे आज्ञा दें तब लौट आवें।
फिर विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य कर्म करें और अपने पूज्य पुरुष बंधु जन तथा नित्य गण सहित स्वयं भोजन करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृय और माता महिषाद का अनुष्ठान करें। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दोहित्र अर्थात लड़की का लड़का, उत्तप अर्थात दिन का आठवां मुहूर्त और तेल, ये तीन तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन, ये तीन बातें वर्जित हैं तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, माता मह तथा कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसीलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।